सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गुरुकुल में। और आज मैं यूटीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ, यानी जो कमेंट मुझे यहाँ पर आती है यूटीएस के मेरे वीडियो पे, उसका मैं आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहला कमेंट है लक्ष्य जी का। उन्होंने पूछा है, ब्रदर मैं दूसरे मोबाइल नंबर से रिसेट कर रहा था लेकिन मैसेज आ रहा है कि किसी IMEI नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर मोबाइल नंबर। लक्ष्य, ये बहुत ही कॉमन सा इशू है। अगर आप किसी एक मोबाइल में अपना यूटीएस चला रहे हैं लेकिन सपोज आपका मोबाइल खराब हो जाता है और आप किसी और मोबाइल में यूटीएस को इंस्टॉल करते हैं और वहां पर अपना नंबर डालते हैं और फिर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मोबाइल चाहे तो पुराना होता है या आपके किसी दोस्त का होता है या आपने किसी से खरीदा हुआ होता है, वो उस मोबाइल पे पहले ही से किसी यूटीएस नंबर रजिस्टर्ड है, तो ये प्रॉब्लम आना लाजमी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, रेल मदद ऐप पर जाना है, वहां पर एक रिक्वेस्ट भेजनी है। रिक्वेस्ट का तरीका मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया है, आप वो रिक्वेस्ट का तरीका अपना सकते हैं। और उसके बाद जो रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, बार बार आप उसको फिर से मेल कीजिए ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर रॉबिन ने एक और सवाल पूछा है, भाई कैसे पता चलेगा कि टिकट्स कंफर्म या वेटिंग में हुआ है। रॉबिन जी, यहाँ पर कंफर्म टिकट नहीं निकलता, यहाँ पर टिकट जो निकलता है वो एक्चुअली जर्नल टिकट निकलता है, लोकल टिकट निकलता है। यानी जर्नल जो हम टिकट निकालते हैं किसी भी, चाहे वो किसी एक्सप्रेस ट्रेन का हो या किसी मेल ट्रेन का हो, किसी भी ट्रेन का जनरल, तो इसमें कंफर्म होने का कोई सवाल नहीं होता। फिर एक क्वेश्चन पूछा है शैबल मुखर्जी ने, सर जी डेबिट कार्ड से क्या पेमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर थैंक बोला, मैंने उसका आंसर दिया है। तो राम सिंह जी ने पूछा है कि क्या ये सिर्फ मुंबई के लिए। राम सिंह जी, ये सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए है। हाँ, लेकिन आपका लोकेशन इसमें पकड़ना चाहिए, कुछ कुछ स्टेशन अभी भी ऐसे है जिनका लोकेशन अभी तक इसमें पकड़ता है। अगर आपका लोकेशन उसमें आ जाता है, ऐप में आ जाता है, जब आप टिकट निकालते हैं आपके स्टेशन ऐप में आ जाता है, तो आप किसी भी ट्रेन का जर्नल टिकट यूटीएस ऐप से निकाल सकते हैं। रोहित जी पूछते हैं कि मैंने ट्रांजेक्शन किया है लेकिन ट्रांजेक्शन नॉट फाउंड बता रहा है, सिंक करने के बाद भी नहीं बता रहा है, अमाउंट डिडक्ट हो चुका है मेरा इंटरनेट सर्विस। ओके मोहित जी, आप रेलवे मदद ऐप पे जाइए, वहां पर सबसे पहले कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन करने के बाद आपको एक टिकट नंबर मिलेगा, वो टिकट नंबर इसी रिप्लाई सेक्शन में डालिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास यूटीएस के ऑफिशियल्स का नंबर कुछ है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिर करण पूछते हैं कि मैंने 25 रुपये का ट्रांजेक्शन किया लेकिन 54 रुपये कट गए, ये कैसे हो सकता है? तो करण जी, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है मुझे पता नहीं है। आप अगर 25 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं, 54 रुपये अगर आपके कट गए, तो आप फिर से जाइए रेल मदद ऐप पर, एक रिक्वेस्ट डालिए, अगर आपका ट्रांजेक्शन सही है तो आपके पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। फिर एक और चीज राहुल शर्मा पूछते हैं, राहुल शर्मा ये पूछते हैं कि यूटीएस की आईडी दूसरे फोन पे लॉगिन क्यों नहीं होती है। राहुल जी, ये पहले मैं आंसर दे चुका हूं लेकिन आपके लिए फिर से दोहराता हूं, किसी भी नए फोन में यूटीएस चालू करने के लिए आपको सबसे पहले उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा रेल मदद ऐप पर, वहां पर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट डालने के बाद नए फोन का IMEI नंबर देना पड़ेगा, जब तक रेलवे उसे वेरीफाई नहीं करेगा आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए लिए, उम्मीद करता हूं कि आपके भी ऐसे ही कुछ इश्यूज होंगे जो इस क्वेश्चन से सॉल्व हुए रहेंगे। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप रिप्लाई सेक्शन में इसे लिख सकते हैं, मैं हाजिर हूं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा हर सब्सक्राइबर मेरा वीडियो जरूर देखे क्योंकि मेरे व्यूज बहुत कम हो रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है आप सबके लिए। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन मेरे फैंस, सैयद आपसे विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।